अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। जी मैं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है वो 30 है, 30 जनवरी 2023। और आज हमने देखना है कि मार्केट में टेक्निकली एनालिसिस में क्या पोजिशन चल रही है और हम बाइंग कहाँ से कर सकते हैं और सेलिंग किस पॉइंट से कर सकते हैं। ठीक है, सभी पेयर की वीडियो है लेकिन गोल्ड की अलग वीडियो है। यूरो यूएसडी यूएसडी जेपीवाई जीबीपी यूएसडी, ये जो पहले 3 पेयर इनकी अलग वीडियोज़ है, और गोल्ड और डॉलर की एक अलग वीडियो होती है, और नीचे जो पेयर हैं इंडिसी जिनमें शामिल आ जाते हैं इनकी अलग है, और यूएस ऑयल बीटीसी और यूएस 30 क्रिप्टो करेंसी का, ये ऑयल ये इंडिसीज है और ये क्रिप्टो करेंसी, ये इनकी एक अलग वीडियो होती है। तो अभी हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। ये लें जी, गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, आप लोग देखें, ये देखें, ये गोल्ड का चार्ट ओपन कर दिया है। इसमें अगर डेली का कैंडल बनी हुई है, डेली बाइंग में बना हुआ है, ठीक है, 1932 पे मार्केट इस टाइम चल रही है। सेलिंग जो पोजीशन है ना, अब ये कर्सर एक तो आप लोगों के सामने इस टाइम मार्केट कहाँ से सुबह थी, मार्केट 1926 यहाँ तक मार्केट आई है और ऊपर चली गई, बाई कैंडल बना दी है, और ट्रेंड बाय है ना, असल में ट्रेंड बाय है, लेकिन कल सेलिंग की कन्फर्मेशन थोड़ी बहुत बनी लेकिन काम नहीं कर रही, सपोर्ट अभी तक काम कर रही है। 1920 सपोर्ट थी कि यहाँ से स्कैल्प बाइंग अच्छी, ये एक सपोर्ट को फॉलो किया जा सकता था, लेकिन मार्केट पहले ही रिजेक्ट हो गई। ये तो अब हो क्या सकता है, अब ये है कि आप सेलिंग कर सकते हैं किस पॉइंट से, 1937 या 38 से। पहली सेलिंग कहाँ से करें, 1937 1938, और दूसरी सेलिंग जो है वो आप फिर 42 से कर सकते हैं, 42 से ना तो फिर 48, ठीक है। यानी कि डेली स्ट्रेटजी तो बाई की कह रही है आज के दिन कि बाइंग करें, लेकिन क्योंकि टॉप एरिया है, डेली स्ट्रेटजी तो कहती है कि बाइंग करें 28 से या 30 से भी बाइंग करें। एसएल जो आपका 30 से अगर आप बाई करते हैं 1930 से, एसएल आप कम से कम 26 लगाएं, मिसाल के तौर पे 1930 से आप बाई करते हैं ना, यहाँ से बाई करते हैं आप, ठीक है, तो एस एल जो आपका बनेगा ना, एस एल वो आपका बनेगा 1926 यानी कि 40 पिप का एस एल बनेगा आपका। और अगर एस एल बनेगा तो टी पी जो बनेगा ना, टी पी आप लोगों का 1930 है तो 1940 100 पिप्स, ठीक होगी बात। लेकिन एच फोर की बात कर लेते हैं, एच फोर में देखें, ये ले, अब ये रेजिस्टेंस लेवल जो है ना इसका यही है, मैं आप कर्सर लेके आपको दिखाता हूँ, जो रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला है, 1937 भी है और 1942 का एरिया, 1937 ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये देखा जाए उसके बाद ये टॉप 1948 है फिर, ठीक है, तो एहतियात करें, रेजिस्टेंस ऑर्डर से ही ऑर्डर लें तो अच्छी बात है। 32 की बजाय अगर आप 30 से बाइंग का भी बन सकते हैं, या फिर ये बाइंग अच्छी है, 1920 बाइंग तो ज़बरदस्त है, पर यहाँ तक मार्केट आए फिर ही देखेंगे, और फिर मार्केट सेल में कन्वर्ट है। अभी फ़िलहाल करंट के तौर पर 1930 से बाय, और एस एल 1926 और टी पी 1940 और सेल जी। तो अब हम मज़ीद इसमें एच फोर के बाद हम ये देख लेते हैं, एच वन देख लेते हैं कि एच वन में कोई सपोर्ट है, इसमें मज़ीद ये देखें, एच वन में सेलिंग की कैंडल बन चुकी है, और ये कहाँ से बन रही है ये देखें कि 1934 से, 1934 भी सपोर्ट है। अगर आप देखिए ये कर्सर मैंने जहाँ पे रखा ना, अभी यहाँ पे मैं निशान लगा कर दिखाता हूँ, ये देखिए एक बार यहाँ से पहले मार्केट यहाँ कर्सर रख लिया, अब यहाँ चेक करना, एक बार तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्ट हुई है, अब थर्ड टाइम ये, लेकिन इससे प्रीवियस चले तो एक टाइम ये भी हो चुकी है, और इससे प्रीवियस ये भी है, ये नहीं है, ये है, ये देख सकते हैं कि पिछली मार्केट ने 1 2 3 4 ये फिफ्थ टाइम, अभी करंट सिचुएशन में 5वीं बार ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, क्योंकि ये 34 भी एक सपोर्ट है, 1934 के बाद 1937 या 42 है, 42 के बाद 48 है, तो यही है बस। ये आप लोगों से रेजिस्टेंस ऑर्डर लें, कोशिश करें रेजिस्टेंस ऑर्डर लें, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑर्डर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 1934 है लेकिन थोड़ा रिस्की बन जाएगा, लेकिन है ज़रूर, और उसके बाद जब ऑर्डर लें तो फिर M5 चार्ट ओपन कर लें, उसमें मज़ीद आपका ऐसा छोटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की, उसमें क्या सिचुएशन बनी हुई है।
ये चार्ट ओपन किया डॉलर इंडेक्स का, इसमें डेली पे चार्ट इसका देखेंगे सबसे पहले। जी ये डेली, ये डेली चार्ट है डॉलर इंडेक्स का। अब डेली की कैंडल जो है ना ये बाई में बनी हुई है, अगर डॉलर बाय जाता है तो गोल्ड तो सेल होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल डॉलर अगर की बात की जाए तो डॉलर सेम, इतनी खास मूवमेंट नहीं है डॉलर की, डॉलर इधर ही फिर रेस्ट। जो गोल्ड की फ्लक्चुएशन है बाय से, गोल्ड भी अब एक हफ्ते से तो रुका हुआ, लेकिन ये तो एक तकरीबन एक मंथ से भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, एक बल्कि मंथ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये 15 दिन से ज़्यादा ही है, यानी कि ये मार्केट 20 एक दिन यहाँ पे स्टे कर चुके, 20 दिन से इसी एरिया में है, इसी रेंज के अंदर नजर चल रहा है ये। और गोल्ड ने तो सारी रेंजें ब्रेक की हुई है, 30 दिन में आप देखें उसने इतनी बड़ी मंथ की कैंडल बनाई हुई है ऊपर की तरफ, और डॉलर का वहीं पर वहीं स्टेबल है। तो डॉलर बाय के चांस हैं, अगर डॉलर बाय है तो गोल्ड को सेल आना चाहिए। अगर H4 की बात करें डॉलर इंडेक्स में, ये डॉलर इंडेक्स है, DXY कहते हैं, एक्सनेस में ये DXY शो होता है। अच्छा तो H4 में बाय की सेल की कैंडल है ना, बाय ना मिक्स सिचुएशन है, दोनों कैंडल सेम बॉडी सेम है, वो एक का ऊपर शेडो एक का नीचे। अगर H1 में देखें, H1 में कुछ ना कुछ सपोर्ट है, जिससे आप लोगों को नज़र आएंगे, ये यानी कि सपोर्ट है इसकी, कर्सर लेकर ये सपोर्ट है, ये वाला एरिया जो है ये कौन सा एरिया है, 101.500, ठीक है ये वाला एक से सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस कौन सा है 101.2-140, ये वाला इसका रेजिस्टेंस एरिया है, इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो ये 102.400, ठीक होगी बात। तो ये भी यहाँ पर यह है कि खास इसमें मूवमेंट नहीं है, फंडामेंटल भी देखते हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल है, गोल्ड पे आपने ट्रेड करनी है, गोल्ड पे मैं भी करता हूँ, लेकिन गोल्ड का वही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।